नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुशवाहा कंप्यूटर एंड साइबर कैफे में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अनुदान 10 लाख का जो फाइनल मेरिट लिस्ट बना वो किस प्रक्रिया के द्वारा बना और रेंडमाइजेशन प्रोसेस क्या है और कैसे कंप्यूटर के द्वारा सभी के नामों को फाइनल लिस्ट में लाया गया और जिन कैंडिडेट का नाम वेटिंग लिस्ट में है उनको कैसे मौका मिल सकता है, इसी के बारे में ये वीडियो है। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी दबाइए ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम इसके ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं और यहाँ नवीनतम गतिविधियाँ पे आइएगा तो आपको टोटल रेंडमाइजेशन सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट है, ठीक है, और ऊपर जाइएगा तो फाइनल लिस्ट है, ठीक है। तो रेंडमाइजेशन लिस्ट जो है इसमें उन कैंडिडेट का नाम है जिन कैंडिडेट का सभी चीज़ कन्फर्म था, यानी सभी चीज़ सही सही था। अब उनका नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि कंप्यूटर के डाटा में सेट किया गया और कंप्यूटर के एल्गोरिथम जिस तरह वर्क करता है उस तरह वो रेंडमाइजेशन के द्वारा ही फाइनल लिस्ट बना है। तो इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के द्वारा लिस्ट बना है। तो ये कैसे ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया हुई, चलिए आपको दिखाते हैं लाइव, ठीक है। तो देखिए, ये लाइव है। इस तरह आपको इसमें पूरी प्रक्रिया के द्वारा पर्ची डाला गया एक बॉक्स में, ठीक है। 6 पर्ची डाला गया, देखिए ये एक पर्ची दिखा रहा है और इसी तरह 6 पर्ची डाला गया उस बॉक्स में और उसके बाद 6 पर्ची में से एक पर्ची निकाला गया कैंडिडेट के द्वारा और जिस कैंडिडेट के द्वारा जो पर्ची निकला, अगर एक निकलता है तो एक बार रेंडमाइजेशन, दो निकलता है तो दो। देखिए, सबसे पहला जो कैंडिडेट के द्वारा निकाला गया था SC ST का, तो वो महिला के द्वारा, एक महिला कैंडिडेट वहाँ थी उस चयन समिति में जो बैठक हुआ था लाइव, तो महिला के द्वारा निकाला गया था। तो इसमें दो इनका जो बक्स से वो निकाली वो दो आया, तो SC ST का रेंडमाइजेशन जो हुआ वो 2 बार हुआ, ठीक है। ये देखिए, यही बॉक्स है, वो इसी में 6 पर्ची डाला गया कि कितने बार रेंडमाइजेशन करना है उस लिस्ट को, उसी के अकॉर्डिंग वो लिस्ट बना, ठीक है। उसी तरह BC का भी, BC और EBC का हुआ, ठीक है, और युवा का भी उसी तरह रेंडमाइजेशन के तहत ही ये बनाया गया, ठीक है। ये देखिए, पूरा वीडियो है हमारे पास, ठीक है। देखिए, ये फिर डाला जा रहा है दूसरे कैटेगरी के लिए। तो ये बॉक्स के द्वारा, ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं, इसी बॉक्स के द्वारा सभी कैंडिडेटों का चयन हुआ, ठीक है। और इसमें ये समझिए कि लॉटरी सिस्टम है, ठीक है, आपको डाल दिया गया और उसमें किसी को कोई कुछ नहीं करना था, उसमें निकाला गया, जितने बार निकलता उतना बार रेंडमाइजेशन इसमें हुआ, ठीक है। देखिए, ये EBC का जो निकला वो 2 बार रेंडमाइजेशन के तहत ये उसका हुआ, ठीक है। तो EBC का भी 2 बार हुआ और उसके बाद उसी तरह युवा का भी हुआ और महिला का भी उसी तरह हुआ, ठीक है। और सभी को जितने बार निकला उतना बार रेंडमाइजेशन करके उसको फाइनल लिस्ट बनाया गया ये चयन समिति आयोग द्वारा, ठीक है। और देखिए, इसमें लिख रहा है अप्लीकेंट लिस्ट आफ्टर रेंडमाइजेशन, ठीक है। तो ये किसी के द्वारा अपने से लिस्ट नहीं बनाया गया है, ये पूरे प्रक्रिया जो अपनाई गई है ये कंप्यूटराइज प्रक्रिया है, ठीक है। देखिए, ये युवा के लिए है, युवा का जो निकला उसमें 4 निकला तो युवा का 4 बार रेंडमाइजेशन हुआ, ठीक है। उसी तरह सभी का रेंडमाइजेशन के द्वारा ही बना है। और इस लिस्ट में एक और बात है कि जो इनके सचिव हैं वो बोले हैं कि अगर जिन कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में नाम है, ठीक है, जिन कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में नाम है उनको कैसे मौका मिलेगा। अगर जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वो कभी मान लेते हैं उनको नहीं करना है या उनका सरकारी जॉब लग जाता है, तो उस स्थिति में जिन कैंडिडेटों का वेटिंग लिस्ट में नाम नीचे से है और उन कैंडिडेट का यहाँ सिलेक्शन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, देखिए ये जो रेंडमाइजेशन है ये पोर्टल पर अपडेट है। अगर फाइनल लिस्ट में कोई कैंडिडेट अगर नहीं वो सिलेक्ट होता है किसी कारणवश, तो नीचे से जो भी रेंडमाइजेशन प्रक्रिया के अंतर्गत आए हुए हैं कैंडिडेट उनमें से सिलेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह जो है वो जो वेटिंग लिस्ट में है कैंडिडेट उनको मौका मिलने की उम्मीद है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये पूरी प्रक्रिया जो है वो कंप्यूटराइज हुई है, इसमें किसी के द्वारा नहीं किया गया है और ये पूरी प्रक्रिया जो कंप्यूटराइज हुई है तो ये बहुत अच्छी तरह से हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई
फ्रॉड नहीं हुआ है और सभी का अब कंप्यूटर में तो किसी को नहीं जानता है कि ये क्या है वो क्या है, तो सभी चीज़ जो है साफ़ सुथरा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रह गया जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया है तो अगली बार वो ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कि उनका नाम आ जाए, ठीक है। या अभी जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनमें से किसी का कारणवश नहीं हो तो जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है उनको फिर इसमें मौका मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक जानकारी थी जो आपको बीच हम दे दिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।